अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सर उसामा खान। टुडे वी हैव प्रॉब्लम नंबर 14.11 फ्रॉम चैप्टर नंबर 14 ऑफ सेकेंड ईयर फिजिक्स। इन दिस प्रॉब्लम वी हैव, हमसे कह रहे हैं इस प्रॉब्लम में डैट एन ईएमएफ ऑफ 45 मिली वोल्ट इज़ इंड्यूस्ड। 45 मिली वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस्ड मतलब प्रोड्यूस हो रही है इन अ कॉइल, एक कॉइल में ऑफ 500 टर्न्स, जिसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं 500। वैन द करंट, अब हमें ये नहीं पता है कॉइल प्राइमरी है या सेकेंडरी है, सेल्फ इंडक्शन हो रही है या म्यूचुअल इंडक्शन हो रही है। वैन द करंट इन अ नेबरिंग कॉइल चेंजेस, जबकि उसके नेबरिंग यानी पड़ोसी वाले कॉइल में जब करंट चेंज होता है फ्रॉम 10 एम्पेयर टू 4 एम्पेयर इन 0.2 सेकेंड के दरमियान, तो हमें पता है कि जब प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होता है तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होती है और ये प्रोसेस कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसका मतलब ये ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है सेकेंडरी कॉइल में, जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास 500 टर्न्स हैं, जबकि करंट चेंज हो रहा है प्राइमरी कॉइल में और चेंज इन टाइम हमारे पास 0.2 सेकेंड है। आगे क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस बतानी है और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द सेकेंड कॉइल। सेकेंड कॉइल में जो फ्लक्स चेंज हो रहा है प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होने की वजह से, उसका रेट बताना है। तो फ्लक्स फाइ होता है, चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाइ होता है। किसी भी चीज़ का रेट मालूम करना हो तो उसे टाइम से डिवाइड करा दो, तो डेल्टा फाइ अपॉन डेल्टा टी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले दी हुई थी ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रही थी किस में, सेकेंडरी कॉइल में, वो थी 45 मिली वोल्ट, जो हो जाएगी 45 एक्सपोनेंट माइनस 3 वोल्ट। इसके बाद हमें नंबर ऑफ टर्न्स दी हुई थी सेकेंडरी कॉइल की, वो दी हुई थी हमें 500 टर्न्स। इसके बाद हमें चेंज इन करंट दिया हुआ था प्राइमरी कॉइल में, वो बोल रहे थे कि करंट चेंज हो रहा है चेंजेस फ्रॉम 10 एम्पेयर टू 4 एम्पेयर, यानी कि 10 एम्पेयर से 4 एम्पेयर पे आ रहा है। तो चेंज कितने का आ रहा है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, यानी 6 एम्पेयर का करंट जो है चेंज हो रहा है। तो डेल्टा आई पी हमारे पास कितना हो गया, 6 एम्पेयर, जबकि हमारे पास टाइम कितना चेंज हो रहा है, 0.2 सेकेंड, यानी कि ये सारा काम 0.2 सेकेंड के दरमियान हो रहा है। हमसे पहले पार्ट में पूछा कि हमें बताएं म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो कि M, कैपिटल M से नोट करते हैं, और हमसे सेकंड पार्ट में पूछा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बताएं। तो हमें पता है, हमने पढ़ा था, मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने फार्मूले और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 14 के। उस वीडियो में मैंने बताया था कि म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर हमारे पास 3 फार्मूले पाए जाते हैं, उसमें से एक फार्मूला हमारे पास होता है ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल मालूम करने का, जो फार्मूला होता है एम डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी। तो हम इसके अंदर इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो ई एम एफ इन सेकेंडरी कॉइल की जगह आ जाएगा 45 एक्सपोनेंट माइनस 3, म्यूचुअल इंडक्टेंस हम मालूम कर रहे हैं, डेल्टा आई पी हमारे पास 6 एम्पेयर है और ये 0.2 है। तो यहाँ से ये 45 एक्सपोनेंट माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0.2 अपॉन 6 हो जाएगा इज इक्वल टू एम, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। हम इसको सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम कैलकुलेटर, तो ये आ रहा है 1.5 एक्सपोनेंट माइनस 3, और इसका यूनिट होता है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का हेनरी। तो ये हमारा आंसर हो गया, और जबकि हमारी बुक में इसको मिली हेनरी में दिया हुआ है, तो हम इसको कह सकते हैं 1.5 एक्सपोनेंट माइनस 3 का मतलब मिली होता है मिली हेनरी। तो ये हमारे पास हो गया इसका ए पार्ट। अब हम आते हैं इसके बी पार्ट पर। इसके बी पार्ट में हमसे पूछा गया था रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो हमें ये बात पता है कि इसका हमारे पास ई एम एफ इन सेकेंडरी कॉइल का एक फार्मूला और होता है, वो फार्मूला होता है ई एम एफ इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू एन एस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, सिर्फ हमें ये चीज़ निकालनी है, तो हम इसको यहाँ लगा डिवाइड करा देंगे, तो ई एम एफ इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन
एन एस हो जाएगा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी बराबर हो जाएगा 45 एक्सपोनेंट माइनस 3 अपॉन 4500। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 9 एक्सपोनेंट माइनस 5। और यूनिट्स का यूनिट होगा, फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो वेबर पर सेकंड इसका यूनिट बनेगा। ये आ गया यहाँ पर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, जो क्या बनता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो क्यों दी हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।